हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे टीवीएस रॉनिन पे और हम सब्सक्राइबर क्यू एंड ए के क्वेश्चंस लेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतीक भाई से। वो मुझे पूछना चाह रहे हैं वो टीवीएस रॉनिन खरीदना चाहते हैं, बट क्या ये बाइक रिलायबल है, मुझे 5 साल के लिए चलाना है। मैं इस पर बहुत सारे वीडियोज़ देख चुका हूँ यूट्यूब में, बट कस्टमर्स को बहुत सारे इशूज़ आ रहे हैं इस बाइक से। सर्विस सेंटर का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा तो नहीं है। क्या ये बाइक मैं चला सकता हूँ अगले 5 साल तक? मैं मुंबई से हूँ, मैंने हंटर 350 को कंपेयर किया रॉनिन के साथ। मुझे रॉनिन के फीचर्स पसंद आए, बट अभी भी मुझे एक डाउट आ रहा है कि क्या रॉनिन में प्रॉब्लम्स आ सकते 2-3 साल में। मैं बुक करना चाहता हूँ, बट मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मुझे रॉनिन की तरफ जाना चाहिए या हंटर की तरफ। दोनों बाइक्स अच्छे हैं, बट मुझे रॉनिन में फ़ीचर्स बहुत पसंद आए हैं, जैसे ब्लूटूथ के फ़ीचर्स जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होके आपके बाइक के बहुत सारे डिटेल्स आपको बताते हैं आपके फ़ोन में, जो विच इज़ रियली गुड। मॉडर्न फीचर्स की बात कर रहे हैं वो। उनके पास पल्सर 200 RS था, 2016 का मॉडल, उसमें इतने सारे इश्यूज आए उनको कि उनको बाइक सेल करना पड़ा। तो उनको ये चीज़ का इसी चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या ये रॉनिन में उनको फेस करना पड़ेगा या नहीं। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताइए, रॉनिन के रिव्यू के बारे में बताते हैं बाइक कैसा है, बट ड्यूरेबिलिटी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे रेगुलरली ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में एड्रेस किया है। 48 मिनट का रिव्यू वीडियो है चैनल में टीवीएस रॉनिन पे, जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सारे डिटेल्स को कवर किया है। बट फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, टीवीएस और एनी अदर ब्रांड जब वो एक बाइक को डिज़ाइन करते हैं तो वो उनके बाकी जो मॉडल्स हैं उसके पार्ट्स वो हमेशा शेयर करेंगे, क्योंकि उससे पैसा बचता है। R&D की भी बात करें तो वहाँ पे भी पैसा बच जाता है। तो अपाचे 200 के बहुत सारे इंजन के पार्ट्स उन्होंने डेफिनेटली रॉनिन में यूज़ किए। अभी हम बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो 5 से 6 साल तक इंडिया में सर्वाइव कर चुके हैं टीवीएस की तरफ से। एक है अपाचे 200 4B, जो ऑलमोस्ट 5 साल से मार्केट में सक्सेसफुल रहा है। क्वालिटी की बात करें तो बहुत कम प्रॉब्लम्स आए इस बाइक में, टू बी ऑनेस्ट। अगर प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और वो रिजॉल्व होते हैं उसके पार्ट्स के कॉस्ट भी उतने ज़्यादा नहीं है। अब ये समझिए आप कि अपाचे 200 4V जो इंजन है उससे कम स्ट्रेसफुल इंजन है रॉनिन, क्योंकि अपाचे 200 4V का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। वो एक छोटा सा इंजन है, 200cc का इंजन है, और उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो रॉनिन से ज़्यादा है, क्योंकि वो एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। जो इंजन रॉनिन में आता है वो एक स्क्वायर इंजन है, स्क्वायर इंजन का कंप्रेशन रेशियो लो होता है। तो ये जब इंजन का कंप्रेशन रेशियो लो होता है तो इंजन में स्ट्रेस भी लो होता है, इससे आपको बेटर माइलेज मिलता है, बट आपको परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं मिलेगा। इसीलिए आप रॉनिन जब चलाते हो आपको ऐसा लगता है कि अपाचे 200 4V में लगभग सिमिलर पावर है, जबकि आप क्लियरली देख सकते हो कि अपाचे 200 4B में डिस्प्लेसमेंट कम है। तो वो छोटे से इंजन में ज़्यादा पावर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रॉनिन ऐसा नहीं है, वो जितना पावर उसका है ऑलरेडी वो उतना भी आपको पावर देना नहीं चाहते बाइक में, क्योंकि वो स्ट्रेस कम रखना चाहते हैं बाइक में। तो मेरा मानना है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में रॉनिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो स्क्वायर इंजन है और बाकी के जो पार्ट्स है वो अपाचे 200 4V से वो शेयर करने वाला है। तो ये दो रीज़न से मैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में आपको थम्स अप दे सकता हूँ। बात ये है कि मैं कस्टमर से बात कर चुका हूँ, रॉनिन के ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आए, उनको खुश है बाइक लेके, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको। एक प्रॉब्लम आपने जो बोला है वो सही है, उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊँगा, वो है सर्विस क्वालिटी। बट उसके अलावा कोई मेजर इश्यूज इस बाइक में नहीं आएंगे आपको। आप 3-4 साल 5 साल तक चला सकते हो। और एक बात बता दूं आपको, मैं रॉनिन के ओनर से तो मैं बात करता हूं, बट रॉनिन रिसेंटली रिलीज हुआ है तो कस्टमर फीडबैक मैं नहीं ले सकता लॉन्ग टर्म पे। अब हम एज्यूम कर सकते हैं उनके बाकी प्रोडक्ट्स को देख के कि रॉनिन कैसे परफॉर्म करेगा। अभी जिस तरह का प्रॉब्लम आपने पल्सर में फेस किया है, मुझे नहीं लगता है रॉनिन में उस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। एक और पॉइंट आपने बोला हंटर, जब आप हंटर कंसिडर कर रहे हो वहाँ पे भी आपको मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपका खर्चा और मेंटेनेंस उसमें ज़्यादा रहने वाला है। वो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है और वो रॉयल एनफील्ड है। क्वालिटी रॉयल एनफील्ड का इम्प्रूव ज़रूर हुआ है, बट इश्यूज उसमें ज़्यादा आएंगे आपको, क्योंकि वो एक मास मार्केट बाइक नहीं है कि लोग जाके खरीदेंगे। जो बजट कंस्ट्रेंट्स में जो होते हैं, जो बजट के बारे में सोचते हैं, वो रॉनिन की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स आने लगेंगे तो लोग नहीं लेंगे बाइक। तो टीवीएस को पार्ट्स का कॉस्ट और परफॉर्मेंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, तो आप इस बाइक की तरफ ज़रूर जा सकते हो।
सर्विस क्वालिटी को लेके मैं भी डिसअपॉइंटेड था। उनके सर्विस सेंटर उतने प्रीमियम नहीं है, बट बजाज के भी उतने प्रीमियम नहीं है। रॉयल एनफील्ड के सर्विस क्वालिटी बेटर है। आप जब सर्विस सेंटर जाते हो, उनका जो मेंटेनेंस है, जो जो काम करने वाले हैं वहाँ पे, वो थोड़े ना नॉलेजेबल है। वो टीवीएस में आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल जो स्प्लेंडर सर्विस कराते हैं उनको कैसा फील होगा, ऐसी फील आपको भी आएगा। तो सर्विस क्वालिटी आपको कोई प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर नहीं करता है, तो आपको सर्विस क्वालिटी चाहिए, शायद रॉयल एनफील्ड आपको बेटर लगेगा, बट उसके साथ आपको खर्चा भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको रॉयल लेना है नहीं, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के मामले में बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक यूज़र है जो बता रहे हैं कि उनको रस्टिंग इश्यूज हो रहा है टीवीएस रॉनन पे। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम में मुझे फ़ोटोज़ भेजिए, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीवीएस रॉनन के ओनर्स भी हैं जो आपको शायद हेल्प कर पाएंगे। तो ज़रूर इंस्टाग्राम में कनेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको रस्टिंग इश्यूज़ हो रहा है, सो दैट वी कैन फिगर इट आउट। उसको रिसर्च करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क इंजीनियर भाई से। वो बोलते हैं कि मैं एक बाइक लेने की प्लान कर रहा हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ और मुझे एक बाइक परचेस करना है जो मैं आराम से चला सकता हूँ। मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है एक्सब्लेड, FZS, अपाचे 164V, रोनिन, FZX, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अच्छा होगा मेरे लिए। भाई अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक्सब्लेड, FZS, अपाचे 164V, रोनिन और FZS को आपने कंसिडर किया है। इसमें ऑड ऑप्शन है रोनिन, क्योंकि ये ऐसा बाइक है जो डिफरेंट है बाकी सबसे। अगर आप एक कम्यूटर बाइक लेना चाहते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, मे बी आप कॉलेज स्टूडेंट है, आपके रिक्वायरमेंट्स आपने क्लियरली यहाँ पे बताए नहीं, बट अगर आप एक कम्यूटर बाइक लेना चाहते हो तो एक्सब्लेड, FZS और FZX में कोई भी बाइक ले लो, यू विल बी हैप्पी। बस डिज़ाइन में डिसाइड करना कि आपको डिज़ाइन कौन से बाइक का पसंद आया, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपके लिए परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है, आपको कंफर्ट चाहिए, नॉर्मल राइडिंग करना है। इन तीनों में कोई भी बाइक ले लो, डिज़ाइन जो आपको पसंद आता है, यू विल बी हैप्पी। अब आपको चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है, डिज़ाइन के साथ परफॉर्मेंस चाहिए, हैंडलिंग चाहिए। अपाचे 164 भी बेस्ट बाइक है। अब आपको चाहिए कुछ यूनिक सा एक्सपीरियंस, चलाने के टाइम आपको अच्छा रोड प्रेजेंस, एक मॉडर्न सा बाइक डिफरेंट फील के साथ, देन रोनिन अच्छा है। बट रोनिन का प्रॉब्लम यह है कि टेस्ट राइड करना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए नहीं है। ये बाइक आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, बट आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करेगा। आप हाईवे में चला सकते हो, सिटी में चला सकते हो, वेट फील नहीं होता आपको। तो मैं ये बाइक आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपको हाईवे पे भी चलाना है कम्फर्ट में, बट आपको टेस्ट राइड करना है। अगर आपका हाइट 5'10" के ऊपर है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है, आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू विल फाइंड द बाइक वेरी कंफर्टेबल। अगर टेस्ट राइड के बाद आपको कंफर्टेबल लगा और आपको एक यूनिक सा बाइक लेना है, देन गो फॉर रोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार गुप्ता भाई से। वो बोलते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट दैट यू मेड सच अ डिटेल्ड वीडियो, थैंक यू सो मच सर। मुझे सजेशन चाहिए विद रिगार्ड्स टू बाइंग ए न्यू बाइक। मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स को कंसिडर किया है यहाँ पे। 75% मैं सिटी में चलाऊंगा, 25% कभी कभार हाईवेज और ऑफ रोडिंग कभी कभी। राइडर और पिलियन दोनों को कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, एवरेज अच्छा माइलेज, लुक्स और ब्रांड वैल्यू भी मैटर करता है, प्राइस भी एक फैक्टर है, एंड सब कुछ तो नहीं मिल सकता है। स्टिल विथ मीडियम बजट कंसिडरेशन आप क्या सजेस्ट करोगे, यू मे सजेस्ट टॉप टू एज वेल। सो आपने यहाँ पे टीवीएस रोनिन के वीडियो में ये कमेंट किया है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आपके नीड्स हैं सब कुछ मीट कर लेता है बहुत अच्छी तरह से टीवीएस रोनिन। एक पॉइंट पे ज़रूर सफ़र करता है, वो है पिलियन कंफर्ट, क्योंकि पिलियन कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है टीवीएस रोनिन में। एक ये है कि उसका सीट में जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पीछे बैठने वालों का बिल्ड अगर हैवी है, हैवी बिल्ड वाले हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो पिलियन कम्फर्ट आपका टॉप में आता है प्रायोरिटी में, तो आप रोनिन को कंसिडर मत कीजिए। आप रोनिन के ही सेगमेंट में अगर एक बाइक लेना चाहते हो तो आपके पास हंटर का ऑप्शन है, बट अगेन हंटर में आपको पिलियन का प्रॉब्लम आएगा। तो रोनिन का पिलियन को छोड़ के जो भी आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अच्छी तरह से मीट कर लेता है। और इस सेगमेंट में आपको बहुत अच्छा
सीट कंफर्ट पिलियन के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो तो बजट बढ़ा के आप CB350 या CB350 RS की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें आपको सिटी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, माइलेज बहुत अच्छा रहेगा आपको, बोथ फॉर योर राइडर एंड पिलियन इट इज़ वेरी कंफर्टेबल बाइक, एंड एवरेज जो माइलेज की भी बात कर रहे हो दैट ऑल्सो विल बी ग्रेट। सो मेरा सजेशन आपके लिए फर्स्ट है TVS Ronin, बट आपके लिए पिलियन कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है, और टेस्ट राइड करने के बाद आपको ऐसा लगा कि पिलियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, देन आप CB350 को कंसिडर कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ रेस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स आपने क्लियरली नहीं बताया यहाँ पे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे रेस्पॉन्ड कीजिए कमेंट में, और बताइए मैंने जो आपको दोनों बाइक सजेस्ट किया है कि आप बजट बढ़ा सकते हो, अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो आपने कौन से बाइक्स को यहाँ पर कंसिडर किया है वो भी बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा, तो जल्दी से आपके Ronin के क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा, और जो मुझे ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं उनके भी क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे, टेक केयर, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।